बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम एम डिपार्टमेंट ने ग्रेड 11 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए ट्रेनिंग डायरेक्टर शाहिद सिकंदर ने की, जबकि इस तरबियत को देने में सीनियर डायरेक्टर जमील फारूकी ने सबसे अहम किरदार अदा किया। ये कोर्स का इनका किया है जो कि हमारे अपने जो ऑफिस के लोग हैं जो ग्रेड 11 से लेकर 16 तक भी हैं, उनके लिए ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट हुआ है जी जी। और इस सिलसिले में आज का टॉपिक था APT रूल, जो कि अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र का है। ये हमारा यहाँ का KMC में एक हमारा डिपार्टमेंट है SIM, जिसके डायरेक्टर शाहिद सिकंदर साहब हैं जो कि ऑफिस कर रहे हैं, और ये मुख्तलिफ अवकात में इनके यहाँ मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स का जो कि लोग जो हमारे एम्प्लॉज हैं उनको आगाही के लिए मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ किस्म के कोर्स करवाते हैं, जिसमें पहले भी मुख्तलिफ कोर्स ये मुनक़द करवा चुके हैं, और अभी ये ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स है जो एक 4 हफ्ते का कोर्स है, और आज इसका सब्जेक्ट जो था वो APT रूल था, अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, जो कि लिए जो कि जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताएं। देखिए, ये आज से 1 साल पहले मुर्तज़ा वहाज साहब ने एक रेजोल्यूशन पास की थी जिसमें लाजिम करार दे दिया गया था कि ट्रेनिंग लाजमी होगी, उसके बाद ही प्रमोशन होगा ना। तो 2023 से इसको इम्प्लीमेंट करना था। तो ये जो हमारा कोर्स चल रहा है इसका नाम है ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, ये 4 वीक्स का है। अभी जो हमारे साथ थे जनाब जमील फारूकी साहब थे, सीनियर डायरेक्टर HRM, उन्होंने आज पढ़ाया हमारे पार्टिसिपेंट्स को APT रूल। आपने पूछा कौन लोग इसमें हैं, हमारे 40 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें हमारे साथ HR डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, फाइनेंस के लोग हैं, ZOO के हैं, MS के लोग हैं, सिटी वार्डन्स के लोग हैं। पढ़ाया वो ATP पढ़ाया है, सर्विस रूल, जमील फारूकी साहब ने। मतलब उनके पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि ये सर्विस रूल जो है वो किसी भी मुलाजिम की सर्विस के लिए कितना ज़रूरी है। मतलब उसके बारे में उन्होंने रूल्स के बारे में काफ़ी ब्रीफ आउट किया हमें, और मतलब हमें पढ़ के मतलब काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हुआ कि बहुत मतलब यानी कि मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ATP रूल हमें समझ में आया आज। और बाकी लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो हमें रज़ा साहब ने पढ़ाया, सैयद आरिफ रज़ा साहब ने, और बाकी जो टाइम टू टाइम मतलब मोटिवेशनल स्पीकर आते रहे उन्होंने मतलब यानी कि हमारी अपनी जो हमारी मोटिवेशन है अंदर उसको बाहर निकाला। अब जो सेल्फ इस्टीम है वो हमने पढ़ा, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब अगर हम हाई पिच पे चले जाएंगे तो मतलब वी कैन डू एनीथिंग मतलब इन लाइफ। स्टीम का कोर्स भी ऐड किया था, और इसके अलावा ENDs बताया गया था। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमें हमारा KMC के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, किस तरह से ये डिपार्टमेंट काम करते हैं, क्या इनकी हिस्ट्री है, क्या अभी उनकी पोजीशन है, और हमें किस तरह से उसको आगे लेके जाना है। सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर डिलीवर की जाती हैं। जिनकी CR के नतीजे में ये 11 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक के जो एम्प्लॉइज थे उनकी मैंडेटरी ट्रेनिंग जो है वो अपनी अंजाम को पाई, कि हम अब जो है वो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए जो है वो इस ट्रेनिंग के जरिए हम आगे जब बढ़ सकेंगे। और उसके साथ साथ हमारे उस एक्स जो हमारे सीनियर डायरेक्टर थे कैप्टन अल्ताफ हुसैन सारी साहब, हम उनके भी सर शुक्रगुजार हैं कि आपने एक CR के जरिए हमारा ये बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, जिसमें काबिल और पढ़े लिखे लोग जो है वो आइंदा KMC की सर्विस अंजाम देंगे। और साथ ही हम मौजूदा सिटिंग जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर हमारे डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर शुजात हुसैन साहब की भी हम शुक्रगुजार हैं कि सर जिनकी अप्रूवल से ये हमारा जो पहला बैच था ये सर स्टार्ट हुआ, और इसमें हमने मुख्तलिफ जो फैसिलिटेट थे ट्रेनर थे, जिसमें हमने जो है टंडोजाम अकेडमी से लोग आए, सर दीपक से भी लोग आए। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।